चोरी करने वाला होगा ना, जो पाप करता ना, वो पाप करने वाला का लंबा जर होता है बोलते, वो ज्यादा फैलाता बोलते, नहीं होता, ये बेली बात है, ये पुण्य का काम है, किताब में लिखा हुआ बोलते बेली बात है, क्योंकि जो धर्म करेगा उसको धर्म ही मिलेगा, बिल्कुल, जो पाप करेगा उसको पाप ही में बैठेगा। अब ठीक आ रहे हो? आ जाओ अंकल जी, इतनी सारी मक्की लेके आ गए, इतनी सारी मक्की, इधर से कच्ची है भैंसी आंटी, इधर से कच्ची थोड़ी थोड़ी, आपकी मक्की को क्या बोलते, भुट्टा? मक्की। गरम गरम मक्खी इसको ले जाओ, तब मजा नहीं आता खाने का, ऐसे तो मीठी है खाने के लिए, पर जो कल परसों दी थी ना अपने, उसमें पूरे पूरे दाने, मेहमानों को भी जरूरी है, मैं तो मेहमान भाव से आएंगे, और ऐसी बरसात में तो खाने का और ज्यादा मजा आता है। आप कुछ कहना चाहोगे विमल भैया को, अपनी बहू को, वहाँ पे घर पे बैठे हैं वो लोग आपसे दूर, नेपाल में, भैया मलेशिया में हैं, कुछ कहना चाहोगे आंटी आप? क्या कहना, याद आती आपको? याद आती है। हाँ, वैसे आपका एक ही बेटा है, बेटी भी है आपके? एक बेटा है, एक बेटी, एक बेटी भी, वो तो उधर ही रहते होंगे वहाँ पे, कल्बो में, क्या नाम है उनका? उनकी शादी होगी, शादी बच्चे, परिवार साथ होना तो अच्छा लगता है, परिवार दूर होना तो मन ही नहीं लगता फिर किसी जगह पे। कैसे बोल रहे पहले अंकल? सत्तर साल में हमारा लगता हमारा जाति का ना, हाँ जी, हमारा खसिया, अच्छा खसिया जाति में, सत्तर साल की लगती है, कोली का लगता साठ में, साठ साल में, साठ साल में, हाँ हमारे यहाँ पहले सत्तर ही था, अब साठ कर दिया, अब तो हमारा सत्तर में लगता है, साल का हो गया, अस्सी साल, मेरे से जुआन है मेरा पिताजी है, मेरे से जुआन है पिताजी, वो तो लग ही रहा है कि आप में भी इतनी फुर्ती है तो उनमें भी इतनी इससे ज्यादा होगी, क्योंकि पहले के बुजुर्ग तो ज्यादा हट्टे खट्टे थे, खाना पीना उनका सही होता था ना, अब तो खाना पीना ही ऐसा है, आजकल तो खाना पीना क्या, पहले हमारे पिताजी तो ऐसा लोटा में दूध पीते थे, अब हमारा दूध का नाम ही नहीं, हमारे बच्चे का तो अब नाम ही नहीं, हमारे जैसा हमने दूध पिया होगा गाय भैंस का, और बच्चे का मिलता है, ये शराब का टाइम में, हाँ जी, माँ का तिथी बोलते पीना देते हैं, तभी बाद में खाना पड़ता है, अच्छा इस वजह से मुंडन करके, क्या हुआ बनो, चलो ये आपकी वीडियो कब, आपकी
बेटे देखेंगे क्या पता, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा, मलेशिया में है दूर, तो अगर उनको, अगर मैंने बना दिया ना, मैं बना दूंगी इस ब्लॉग को, तब वो चला जाएगा, फिर उनको बताना इस नाम से, देख लेना, है ना। लोगों से हम सीखते हैं, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनसे ही बच्चे सीखते हैं, उनके ही संस्कार आगे जाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहोगे, क्या राय देना चाहोगे आप हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारी जैसी जो पीढ़िया है उनको क्या आप सलाह देना चाहोगे कि कैसे जीना चाहिए जिंदगी में? जैसे हमारा जैसा, मेरे में तो आप लोग तो टट्टी भी जा सकेंगे नहीं, जैसे पिताजी है ना, और पिताजी अभी तो घट्टा घट्टा है, ऐसा मैं पिताजी का मेरे में आप लोग तो बाहर भी निकलने में मुश्किल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा ऐसा है ना, अब घर घर में तो गाड़ी है, चलना होता नहीं है पैदल, वैसे पहले के लोग कितने दूर जाते थे पैदल, है ना, अब बिल्कुल घर में बैठ के भी ऐसा लगता है कि खाना भी मुंह पे, मुंह के आगे दे दे खाने को। ये बात, खाना भी तो सही है, तो खाना भी केमिकल मिसाते ना, चावल में, आटा में, जैसा खाना आजकल थोड़ी होता, ये तो कम से कम ये आटा चावल तो 10 साल का पहले का आटा चावल है, पहले पहले ताजा ताजा अपना जिमेन में पैदा करके खाते थे ना उस टाइम, उस टाइम का जैसा जिमेन फसल, अब पूरा देखो बगीचा हो गया, अब ये शेप लिया बस सारा आटा चावल, इससे तो दवाई होता है, ये तो खाए, अगर ना ही खाए तो बेहतर है, नहीं भी खाएंगे तो भी मर ही जाएंगे वैसे ही। ये तो है ना। ये बात, अगर खाना है नहीं खाना है मर जाएंगे, खाना है तो दवाई मिक्स होती है इसमें, ये गोदाम में रखते आटा चावल, इसमें दवाई डाल देते। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं खाना है, ऐसे ही चला है घोटाला जिंदगी में। सही है, पहला जैसा अनाज, पहले जैसे लोग पहले बैठते थे, अब तो ऐसा है कि हर किसी के पास फोन है, फोन में चिपके है, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं। हम आते थे ना सेब सीजन में, हाँ जी, ऐसे कागज में चिट्ठी लिखते थे नेपाल भेजने के लिए, अच्छा अच्छा, नेपाल से चिट्ठी भेजते थे, उस चिट्ठी में क्या करते, बाहर से धागा बांध देते, अच्छा, उस चिट्ठी में क्या होता था, मरवा चिट्ठी बोलते हो, जब आज मैं मर गया ना, बाहर से धागा बांध दिया, तो ये मरवा चिट्ठी है, जल्दी पहुंचा, डाकिया भी जल्दी पहुंचा देते, अच्छा, जिसकी डेथ हुई है उसके, हाँ, उसका चिट्ठी में बाहर से धागा बांध देते थे, अच्छा अच्छा, हम क्या करते थे, ऐसे चिट्ठी लेगा मरवा ऐसा बना देते, जल्दी जाएगा, नहीं तो 15 दिन लागने में वो 10 दिन में नेपाल पहुंच जाएगा वो चिट्ठी, अच्छा, ऐसा करते थे लोगों ने। पर अब तो देखो बिस्तर में सोया हुआ है, हेलो रोटी ला दो हमारे को, चाय लाए तो हैप्पी, जो भी गाना है पूरा ये मोबाइल में यहाँ पे आ जाता है, आ जाता है, ये मोबाइल से लोग बिगड़ा हुआ है, बिगड़ गए, चोरी भी इसी से होता है, बिल्कुल, बदमाशी भी इसी से करते है मोबाइल से, अगर मोबाइल नहीं होता ना कोई पता नहीं ना, देश दुनिया की सारी खबर इसमें आ जाती है, कहाँ क्या रखा है, क्या हो सकता है, कैसे होगा, अब सब कुछ इसी में ही है, अब तो किताबें भी फेल है, तो मोबाइल से तो पूरा संसार बिगड़ गया। पहले ऐसा होता किताबों में जो सीख मिलती थी वो अच्छी होती थी, अब तो तरह तरह की सीख इसी में मिल जाती है, किसी ने उल्टे काम करने वो उल्टे कामों में लगा है, जिसने सही काम करने, पर सही काम वाला इंसान भी टिकता नहीं है, ना, ना। ऐसे उल्टे कामों, उल्टे काम वाला टिकता है, टिकता है ज्यादा, जो चोरी करता ना वो ज्यादा बचेगा, जो ईमानदारी ईमानदारी से वो करेगा वो जल्दी मर जाएगा। ये तो बोलने की बात है, हाँ जी, जैसे चोरी करने वाला होगा ना, जो पाप करता ना वो पाप करने वाला का लंबा जड़ होता है बोलते, वो ज्यादा फैलाता बोलते, नहीं होता, ये बेली बात है, ये पुण्य का काम है, किताब में लिखा हुआ बोलते बेली बात है, क्योंकि जो धर्म करेगा उसको धर्म ही मिलेगा, बिल्कुल, जो पाप करेगा उसको पाप ही में बैठेगा, अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब बुरा, सब बुरा, अंत में तो सबको मिल ही जाता है उसका फल। अब देखो दुर्गा बात में मेरी बात है, हाँ जी, 63 साल का हो गया, मैं 21 साल का उम्र से हिंदुस्तान में घूमने लगा हूँ, 21 साल का उम्र से हिंदुस्तान में घूमने लगा हूँ, मैंने 22 साल का शादी किया था, 22 साल का, 21 साल का उम्र से अभी तक हिमाचल जाओ पूरा एरिया में मेरे को बोलवा बोलेंगे ना, कोई भी दरवाजा खुल रहा है,
किसी को बेमान नहीं किया, किसी का चोरी नहीं किया, तभी तक पलवार बोलेंगे ना तभी कोट खाए जाओ, ये कीतगांव जाओ, कैरी जाओ, भोकाल जाओ, धारण जाओ, कलबोक जाओ, ये एरिया में कोई मेरे को कहाँ से आया ऐसा करके दम करते नहीं, क्योंकि ईमानदार किसी का एक रुपया खाया भी नहीं, किसी का चोरी भी नहीं किया, किसी को बेमान भी नहीं बोला। और मेरे को 7 साल हो गए यहाँ, मैं पहला बैठा धारण में बैठा था, 9 साल बैठा एक मेघराज कोली बोलते उसके पास, उसका जीवन 11 बीघा था, खाली था, हम घर ले मैंने पौधा लगा के उसका आज तक 1300 पेटी होता है वो गए थे। उसके बाद हम 2 साल 2.5 साल राजू राजकमल डॉक्टर से बैठा जो कलबोग में डॉक्टर, उसका लड़का है क्या बोलते रामनगर में डॉक्टर का लड़का, 2.5 साल बैठा वहाँ भी। अब बोझा उठाने वो कम लग गया मेरे को, अब ताकत कम हो गया, मैंने बोला फिर भी आप बहुत ऐसे में इस एज में इतनी मेहनत करना आपको पता ही है कैसा होता है ना। तब मैंने बोला अब इधर आता हूँ, यहाँ भी 7 साल होने लग गए, अब आपने घर नहीं जाना है, इधर से प्लान घर नहीं जाना है, यही काटनी है जिंदगी आपने। ना ना घर तो जाने, घर तो जाने वही है, घर तो घर ही है अपना, हाँ जी। अब तो आपको मुबारक हो, पोता भी हो गया आपकी, पोती तो यही होगी थी, पोती को तो मैंने भी देखा यहाँ पे, उस दिन जन्मदिन था तब मनाया था यहाँ पे उसका जी। इस साल घाटा लगा ना, हाँ आपकी बीन बीन अच्छी बिकी और अच्छी थी वो फली भी, मैंने भी देखी वो बीन आपकी अच्छी थी फली, पर पता नहीं क्यों रेट नहीं, पता नहीं क्या ऐसे ही है, मतलब बीमार लग गया ना, तब हमने घाटा लगा इस साल। और पिताजी भी बोलता, भाई जी बोलता, तेरे को इस साल बहुत घाटे में पड़ गया, और घाटे में पड़ गया बहुमान ने घाटा भरा, हमने थोड़ी घाटा भरा, हमने तो मेहनत किया था, हमारा 1500 रुपये गया, 1500 रुपये किराया बहुत दूर है, हमारे को यहाँ आने में सस्ता पड़ता। हाँ हंसे आंटी बोल रहे थे इधर आने में आपको सस्ता, इधर आने में इसका तो काठमांडू का नजदीक है, अच्छा बहुत दूर गए, सब बाहर में रहता है। अच्छा अच्छा आप गए हो कभी इनके घर, गए नहीं गए, चलो हाँ, पर आपके लिए ऐसा है कि यहाँ पे भी अपना ही इलाका लगता होगा आपको, क्योंकि सभी अपने भी है ना, तो लगता नहीं होगा, अजीब नहीं लगता होगा, फिर जहाँ रहना वहाँ ही सहारा हो जाता है। अब जैसे हम चंडीगढ़ या शिमला में रहते हैं ना पढ़ने के चक्कर में, तो ऐसा लगता है कि अपना उधर ही है, जब घर आते तो घर में और ज्यादा अच्छा लगता है, फिर बाद में ऐसा ही हमारा घर ऐसे चंडीगढ़ जैसा है, पीलान का जगह है, गर्मी होती होगी, भागो भागो बारिश आई।